अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में एक नई गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि इटालियन गवर्नमेंट जिस पे काम कर रही है और काफ़ी बड़े पैमाने पे उस पे चेंजिंग करने जा रही है, वो है दोस्तों नेशनैलिटी का प्रोसेस। आपको पता है कि अभी तक इटालिया का नेशनैलिटी देने का प्रोसेस यूरोपीय यूनियन के सुस्त तरीन ममालक में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मगरबी पट्टी यूरोपीय यूनियन की, जिस जो ग्रीस से शुरू होती है, ग्रीस, इटालिया, स्पेन और पुर्तगाल, इन चारों ममालक में सबसे अगर सुस्त नेशनैलिटी देने का प्रोसेस है तो वो इटालिया का समझा जाता है। पुर्तगाल सबसे फास्ट प्रोसेस में नेशनैलिटी देती है, उसके बाद स्पेन, तीसरे नंबर पे ग्रीस और चौथे नंबर पे इटालिया। इटालिया की काफ़ी मामलात ऐसे थे जिसकी वजह से नेशनैलिटी में डिले किया जाता था, जिसमें नए जदीद टेक्नोलॉजी को ना अपना के और पुरानी जो तरीकाकार है उसके मुताबिक नेशनैलिटी का प्रोसेस जारी रखे हुए थी, जिसकी वजह से डिले की ज़्यादा वजह बनती थी। लेकिन अब इटालियन गवर्नमेंट नए फैसले कर रही है, जिसमें इन्होंने स्टाफ में इजाफा किया, नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, जिसके मुताबिक अब जो नेशनैलिटी का प्रोसेस है वो पहले से फास्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जो पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती थी अपनी रहायश की, जो कि कंटिन्यूसली 10 साल तक आपको शो करवानी पड़ती थी नेशनलिटी लेने के लिए, अब उसमें भी चेंजिंग की जा रही है। अगर आपके पास कार्ड कंटिन्यूसली 10 साल का होगा तो आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकेंगे, वो रजिस्ट्रेशन की शर्त ख़त्म होने जा रही है। लेकिन अभी इस पर काम किया जा रहा है और आने वाले वक्त में ये न्यूज़ आप लोगों के साथ अनकरीब शेयर की जाएगी, जो कि इस वक्त इटालिया में इमिग्रेशन बंद होने के बाद काफ़ी ज़्यादा हालात जो हैं वो मामूल पे आने शुरू हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अभी भी कोरोना वायरस के ख़तरात से निपटने के लिए इटालियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दिए हुए है कोरोना वायरस की तरफ। आने वाले वक्त में जैसे कोरोना वायरस का जोर ख़त्म होगा या कम होगा तो इटालियन गवर्नमेंट इन दो प्रोसेस की तरफ अपनी फुल तवज्जो मबजूल करेगी, जिसमें एक सीजनल वीज़ा और दूसरा इटालियन नेशनैलिटी का प्रोसेस जो है उसमें चेंजिंग करना। उम्मीद है दोस्तों आने वाले वक्त में इटालिया की तरफ से मज़ीद अच्छी अच्छी खबरें इमिग्रेंट से रिलेटेड आएंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि असाइलम सेकर्स का प्रोसेस जो है इटालिया में आने वाले वक्त में मज़ीद टफ़ और मुश्किल करने जा रहे हैं। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।